हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आप सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो आप सभी अपने काम में व्यस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो अभी आपने सुना अध्याय 23 में दीपदान का महत्व और कौन से मुनि की कथा सुनी आपने। तो चलिए जान लेते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 24 में। तो ज़्यादा देर न करते हुए अध्याय स्टार्ट करते हैं। मणिग्री बोले, हे द्विज विद्वानों, सीपूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर से धर्मपत्नी के साथ में मैं रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म को त्याग कर दूसरी की स्त्री का सेवन किया और नित्य अप्रिय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था और बंधुओं ने भी लूट लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास करने लगा। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते मुझे दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझे पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश स्वरूप प्रसाद में कृतार्थ करने योग्य हैं। जिस उपाय करने से मेरा तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए, अतुल्य वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचार कहिए। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता को दूर करेगा, ऐसा मेरा विचार है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधिपूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी सभी दरिद्रताएँ दूर हो जाएंगी और नष्ट भी हो जाएंगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनग मणिग्री, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक ई गुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारा अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने ये वेद में कहा है, तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन में दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि तो होती ही है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधिपूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना। वेद में कहे हुए क्रम और अनेक प्रकार के दीपदान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग दान शाख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच्छ चंद्रयान आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिपाठ करना, गया अश्रद्धा गोमती नदी में तट सेवन करना पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। हजारों ग्रह सैकड़ों पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हे वस, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी ने कहने लायक नहीं है, यह धनधानी पशु पौत्र पुत्र यश को करने वाला है। वंध्य स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है और स्त्री को सौभाग्य देने वाला भी है। राज्य में गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों की इच्छानुसार फल देने वाला। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशील और पतिव्रत स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। खजाना को चाहने वाला खजाने को भी प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी दीप दान करता है वह इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति करता है। वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है फिर क्या कहना, क्या कर सकते हैं उसके लिए। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। मैंने इस समय तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीप दान तुमसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से दो भुजाओं वाले मुरली धारण करने वाले श्रीहरि भगवान को श्रवण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में जाकर मुक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति से तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने दो मास बिताया। दो मास बीत जाने पर श्री मन पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति से तत्पर हो दीपदान करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए
तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्र ब्राह्मण के पश्चात से शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड के उग्र देव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा से तत्पर मणिग्रीव में थे, वह वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक से तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रता धर्म से यह तुम्हारी अर्धांगनी की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंठक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से तेल के तेल से अखंड दीपदान करता है, वह फिर क्या कहना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल का कहा है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका क्या कहना। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्वजन्म का वर्तांत कहकर राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास का अध्याय 24 समाप्त हुआ। वाल्मीकि जी ने बहुत से अच्छा वर्णन किया है और आगे क्या होता है कथा में तो हम सुनेंगे अध्याय 25 में। तो आप निरंतर मेरी वीडियोस में बने रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही मैं आपको कथा का श्रवण कराती रहूं। तो आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद जो आप मेरी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।